एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मार्टिनडेल फार्माकोपिया, जिसको यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में इसके एडिशन को फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे चल रहा है आपके फार्मास्यूटिक्स का चल रहा है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए इसको आप और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो जैसे हमने आपकी फार्माकोपिया यहाँ पे स्टार्ट की थी, फार्माकोपिया हमारी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन फुल डिटेल में हमने देखा था। साथ में इसके कुछ वीडियो लेक्चर, जैसे हमारी ऑफिशियल फार्माकोपियाज होती हैं जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, तो उनको हमने फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, पहले आप उनको देखिए उसके बाद आप इसको देखिए, क्योंकि उनके देखने से क्या होगा आपको फार्माकोपिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा, जिसके बाद आप इसको ईजिली समझ लेंगे। स्पेशली आप ब्रिटिश फार्माकोपिया ज़रूर देखिए क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी थोड़ी सी यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि होती है यहाँ पे हमारी मार्टिनडेल, हम कहें तो दी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो चलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसको मार्टिनडेल क्यों कहते हैं या हम इसको दी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्यों कहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, तो शॉर्ट में आपको जितना हमने लिखा है काफ़ी ज़्यादा है, इतना आप लिखाइए। अगर बाई चांस आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है, जैसे कि कुछ महान एग्जामिनर होते हैं जब एग्ज़ाम बनता है तो क्या करते हैं, एक तरह से आपका जो पेपर क्रिएट किया जाता है मतलब वहाँ पे उसको लॉन्ग में भी रख देते हैं जो लॉन्ग का नहीं होता है। तो आपको नॉर्मल क्या करना है, अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसको लिख देना, लॉन्ग में अगर आता है तो फर्स्ट आप क्या करना, जो हमने आपको फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन लिखाया था फुल आप उसको लिखना, उसके बाद आप इसको लिखना, आपका लॉन्ग में भी एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मार्टिनडेल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्टिनडेल क्या है, एक पर्सन एक इंसान का नाम है जिन्होंने इसको एक तरह से क्रिएट किया था। जो हमारी थी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है इसको एक तरह से किसने बनाया था, जो मार्टिनडेल थे, यानी उन्होंने इनके अंदर जितनी भी ड्रग वगैरह लिखी हुई है उनकी इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ ट्रीट की जाएंगी उसकी टेस्टिंग स्टोरेज यानी सब एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के थ्रू एक तरह से क्रिएट की हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के थ्रू इसमें लिखी हुई है। क्योंकि देखिए वो रिसर्च करते थे न्यू ड्रग एक तरह से डेवलपमेंट करने का, रिसर्च करने का ये सारा काम उनका होता था, एक तरह से क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वो थे, तो इस वजह से सारे काम एक तरह से वो करते थे। अभी एक तरह से लाई क्यों गई, क्योंकि देखिए क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारी थी तो यही हमारी क्यों लाई गई, क्योंकि देखिए इसका मेन रीज़न ये था कि हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसको आपने डिटेल में स्टडी किया होगा, हमने पूरा लेक्चर उस पर डाला हुआ है, तो वो क्या होता था काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता था। यानी देखिए पहले जो टाइम था वो ऐसा था, मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है हर कंट्री में, पहले क्या था डेवलपमेंट इतना था नहीं, तो इस वजह से डेवलपमेंट वो हिसाब से ज़्यादा होता था, तो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हो जाता, और बीमारी अगर देखा जाए तो हिसाब से ज़्यादा उस टाइम बीमारियाँ महामारियाँ वगैरह चलती थी, तो उस टाइम पे दवाओं की इन्फॉर्मेशन न्यू दवाई ईजाद की जा रही थी, लाई जा रही थी एक तरह से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक तरह से फार्मासिस्ट वगैरह को होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल था। तो इसके लिए क्या था भाई, हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में वैसे ड्रग वगैरह हमारी सारी आती थी, लेकिन क्या वो काफ़ी ज़्यादा गैप ले ली थी। अगर किसी फार्मासिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्रग की तो एक तरह से मार्टिनडेल कह सकते हैं ना, कुछ क्वेश्चन वगैरह मार्टिनडेल से भी कुछ लोग क्या करते जो फार्मासिस्ट वगैरह थे, यानी एक तरह से क्वेश्चन पूछा करते जिसमें मार्टिनडेल अपना योगदान देते थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मार्टिनडेल के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना एक ऐसी मतलब बुक बना दी जाए जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसी तरह से एक ऐसी बुक बना दी जाए जिसमें पूरी दवाइयों की इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दी जाए, जिससे जिसको यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे देख लेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक यहाँ पे क्रिएट की यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। तो ये जो हमारी बुक थी ऐसा नहीं है जो हमारी पहले वाली जैसे इंडियन ब्रिटिश या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उनमें इतनी इतनी दवाई ऐड की, इतने सारे चैप्टर एक था, तो इसमें मतलब था लेकिन बहुत ही कम था, इसका साइज़ इतना छोटा था पॉकेट में आप इजीली इसको रख सकते थे। तो इस वजह से जो था ये अनऑफिशियल थी, क्योंकि ऑफिशियल जो होती है हमारी जैसे वो है ब्रिटिश वाली वो ऑफिशियल है, ये हमारी अनऑफिशियल थी। तो हमारी क्या थी, ये अनऑफिशियल हमारी फार्माकोपिया जिसको मार्टिनडेल के थ्रू एक तरह से चलाया जाता था, उन्होंने इसको क्रिएट किया था लिखा था, इसलिए इसको मार्टिनडेल फार्माकोपिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक डाउट आपका क्लियर हुआ मार्टिनडेल हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जानते थे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसके अंदर जितनी भी हमारी ड्रग्स थी तो वो सारी ड्रग एक तरह से एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी मार्टिनडेल वाली फार्माकोपिया के अंदर नहीं थी, उससे टोटली ही डिफरेंट थी। क्योंकि ये क्या करते थे, वो हमारे जैसे 5 से 10 साल में आता था तो ये क्या करते थे, उससे पहले ही एक तरह से इसको ला देते थे, यानी इसका जो एडिशन था मार्टिनडेल का ये 2 से 3 साल में आ जाता था, उसका जो आता था 5 से 10 साल बाद आता था। तो एक तरह से न्यू टाइम में जो एक तरह से वो रिसर्च वगैरह करते थे, न्यू दवाइयाँ डेवलपमेंट होती थी, वो अपनी फार्माकोपिया के अंदर एक तरह से उनको ऐड करते थे और एक तरह से एडिशन पब्लिश वहाँ पे करते थे। तो ये क्या थी, यानी हमारी एक्स्ट्रा ड्रग थी किससे, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अलावा, तो इसलिए एक्स्ट्रा ड्रग के नाम पे इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी यहाँ पे हम कहते हैं।
तो आई थिंक आपको पूरे ही समझ आया किस तरह से इसको मार्टिनडेल और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय विलियम मार्टिनडेल। तो 1883 में विलियम मार्टिनडेल के थ्रू एक तरह से इसको पब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था, कह सकते हैं प्रोड्यूस किया गया था। स्टिल नोन एज मार्टिनडेल, इसलिए इसको मार्टिनडेल के नाम से भी एक तरह से जानते हैं। देखिए जो मार्टिनडेल थे उनकी डेथ कब हुई थी, 1902 में। तो फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया था, 1883 यानी 1983 में। तो 1983 से लेकर 1902 तक यानी 1901 तक उन्होंने क्या किया था, यानी कम से कम 9 से 10 पब्लिकेशन एक तरह से पब्लिश कर लिए थे, यानी 10 एडिशन उसके आ चुके थे। तो क्या हुआ था, 1902 में उनकी डेथ हुई थी, 1901 में एक तरह से हमारा जो 10th क्या था एडिशन था वो हमारा आया था। तो उसके आगे डिटेल में हम देखेंगे, आपको सब समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो एक तरह से ये पूरा कारोबार आया किसके ऊपर आया, उनके लड़के के ऊपर यानी उनके सन के ऊपर। तो देखिए क्या था, उसकी भी जल्दी एक तरह से डेथ हो गई, क्योंकि जो हमारी क्या होती है लैब्स वगैरह होती है उनमें क्या होता है काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो बॉडी पे कुछ ऐसे मतलब साइड इफेक्ट यानी कुछ डिसीज़ उनको हुई जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद जब उनकी फैमिली में कोई नहीं बचा, यानी उनके कहते हैं ना ख़ानदान में जो लास्ट वारिस होता है वो उनका लड़का ही था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो जब एक तरह से उसकी डेथ हुई उसके बाद भी क्या था, कोई संभालने वाला नहीं था। तो इसको एक तरह से जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसके राइट्स उसने खरीद ली, यानी उनके अंडर में सारा एक तरह से मटेरियल आ गया। तो नाउडेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउडेज, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो एक तरह से पब्लिकेशंस इसके किए जाते हैं, यानी पब्लिकेशन तो इसके और भी आए लेकिन मार्टिनडेल के थ्रू यहाँ पे 10 ही आए। उसके बाद जो है ये जो सोसाइटी है जिसने इसके यहाँ पे राइट्स खरीदे थे उसके बाद एक तरह से इसको पब्लिश यहाँ पे किया जाता है। प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है उसमें अगर हम देखें जो पब्लिश किया जाता है बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो इसके थ्रू एक तरह से इसको पब्लिश अब किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्टिनडेल कंटेंट्स। तो देखिए उन्होंने जो इस फार्माकोपिया को क्रिएट किया था, बनाया था, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की थी थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यानी मार्टिनडेल कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन किसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर जो यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड एज एंड, जैसे वर्टिनल ड्रग्स हमारी होती हैं, वर्टिनल ड्रग कौन सी होती है जो पशुओं के एक तरह जानवरों के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। साथ ही में इसमें हर्बल मेडिसन्स थी, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट जो दवाई हमारी बनाई जाती है उसमें हमारे एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, विटामिन जो एक तरह से मल्टी विटामिन आपने नाम सुना होगा, न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन देने वाले एजेंट्स होते हैं, वैक्सीन जो एक तरह से जैसे कोरोना आया था उसमें यानी काफ़ी टीका वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, टीटी कुछ हमारे ऐसे होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस की भी उन्होंने स्टडी की थी, डिसइंफेक्टेंट की, पेस्टिसाइड्स जैसे कीटनाशक हमारे होते हैं कीड़ों को मारने वाले एक्सेट्रा। तो मार्टिनडेल ने कंटेन की थी इन्फॉर्मेशन इन सभी ड्रग के ऊपर और उसको एक तरह से ऐड किया था फार्माकोपिया के अंदर और उसको क्रिएट किया था। तो एक्सेट्रा यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं इससे ज़्यादा भी बहुत ही उसमें इन्फॉर्मेशन थी। तो ये क्या होती थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती थी, यानी क्या करते थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, इन्फॉर्मेशन लगते थे, इन्वेंट करते थे, उसके बाद ही इन ड्रग के बारे में एक तरह से लिखते थे। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती थी इसलिए फार्मासिस्टों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी इससे, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही महान काम मार्टिनडेल के थ्रू यहाँ पे ये किया गया था। देन चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए जब उनकी डेथ वगैरह हो गई थी तो क्या था भाई, इसको पार्ट्स वगैरह वॉल्यूम वगैरह में डिवाइडेड कर दिया गया जो ये आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे जो मार्टिनडेल बुक इज अरेंज्ड इनटू टू पार्ट्स, उसके एक तरह से अरेंज किया गया टू पार्ट्स के अंदर। जैसे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये इंक्लूड करता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कंटेन करता है, शामिल करता है ओवर यहाँ पे 6000 मोनोग्राफ, यानी एक तरह से देखा जाए तो 6000 यानी 6000 क्या है भाई यहाँ पे मोनोग्राफ है जो एक तरह से ड्रग्स है हमारी, उनके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो मोनोग्राफ आप अच्छे जानते हैं, यहाँ पे हमारे 6000 ऐसी ड्रग थी जिसके ऊपर एक तरह से ये एड थी, अरेंज की गई थी इन 49 चैप्टर्स में बेस्ड ऑन यूज, उनके यूज़ के बेस पे किस यूज़ में उनको लाया जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस बेस पे यहाँ पे कितनी थी, 6000 मोनोग्राफ एक तरह से ऐड किए गए थे जो 49 चैप्टर में एक तरह से पेड। हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट इस प्रिपरेशंस दैट इंक्लूड ओवर, यानी 180,000 आइटम्स फ्रॉम 43 कंट्रीज। तो क्या होता है देखिए, देश जो होते हैं हमारे 43 देश से एक तरह से मतलब जो दवाई एक तरह से चल रही है, तो उनकी कम से कम 180,000 आइटमों की एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है प्रिपरेशन से वो इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड है। देखिए आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसके ऊपर हो चुका है एक तरह। अभी यहाँ पे हम देख रहे थे एडिशंस ऑफ मार्टिनडेल, यानी जो मार्टिनडेल फार्माकोपिया एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसके कुछ एडिशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ज़्यादा लेंथी हमने डिस्कस नहीं किए हुए क्योंकि आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, मार्टिनडेल लॉन्ग में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट एडिशन तो आपने देखा 1883 में प्रोड्यूस हुआ था, हमारा आया था। साथ ही में कुछ एडिशन इसमें देखेंगे, जैसे हमारा फोर्थ एडिशन आया था ये पब्लिश हुआ था 1885 में।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आया था 10th एडिशन जो हमारा आया था, 10वां एडिशन वो 1901 में आया था, क्योंकि 1902 में मार्टिनडेल की डेथ हो गई थी, तो जब तक हमारे 10 एडिशन यहाँ पे आ चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे 15th एडिशन ही 15वां एडिशन जो आया था मार्टिनडेल की डेथ के बाद आया था, तो इसको डिवाइड किया गया था यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स में, और जब 2 वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था तो उसके बाद हमारा फर्स्ट क्या आया यहाँ पे डबल वॉल्यूम एडिशंस आया था। पहले सिंगल वॉल्यूम में होता था, फिर डबल वॉल्यूम में। तो हमारा जो डबल वॉल्यूम का फर्स्ट एडिशन एक तरह से पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1912 यानी 1912 में। फिर हमारे यहाँ पर 23वां जो एडिशन आया था वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड में पब्लिश हुआ था 1955 में। कुछ एडिशन चलिए यहाँ पे हम और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 24वां एडिशन जो आया था 24 एडिशन जो हमारा आया था फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में, हमारा पब्लिश हुआ था 1958 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 25वां जो हमारा 25वां एडिशन आया था ये हमारा पब्लिश हुआ था 1967 यानी 1967 में। उसके बाद हमारा 26वां एडिशन आया था, ये आया था 1962 में। उसके बाद 30वां एडिशन यहाँ पर आया है 1993 में। फाइनल जो हमारा एडिशन फिलहाल इस टाइम में चल रहा है करंटली ये पब्लिश हुआ है 1920 में, और ये हमारा 40वां यहाँ पे एडिशन है किस चीज़ का, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का या मार्टिनडेल फार्माकोपिया का। आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपका रह गया जो क्लियर नहीं हुआ है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है, इससे पहले जो हमने जैसे USP किया था, ब्रिटिश किया था या इंडियन फार्माकोपिया किया था उनको थोड़ा डिटेल में किया था, क्योंकि वो आपसे लॉन्ग में पूछे जाते हैं आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में किया। देन क्या है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।